प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। आप सब मुझे देख रहे हैं योगा माई लाइफ यूट्यूब चैनल पर। आज एक बड़ी खास बात बताने जा रहा हूं कि एक पर्दा है जो हम सब के आगे पड़ा हुआ है, जो हम सब के ऊपर पड़ा हुआ है। एक पर्दा ऐसा है, बड़ी रहस्यमयी बात है ये, कि सभी की अकल पे, सभी के दिमाग पे, सभी की आंखों पे, सभी के कानों पे, सभी के शरीर की सभी सेंसेस पे एक पर्दा पड़ा हुआ है। वो ऐसा पर्दा है जो रियलिटी को दिखने नहीं देता। वो ऐसा पर्दा है जो हमारे जीवन की सच्चाई को हमसे छिपा के रखना चाहता है। वो ऐसा पर्दा है जो वर्चुअल जो चीजें हैं उसको रियल दिखाने में लगा हुआ है। जैसे कि वर्चुअल रियलिटी एक टॉपिक है कंप्यूटर का। वर्चुअल रियलिटी में क्या करते हैं, आंखों पे एक कैमरा टाइप गोगल लगाते हैं और उससे आजकल ड्राइविंग सीखी जा सकती है। और उस वक्त जो वर्चुअल रियलिटी में मतलब कि हम इस तरह की सेंसेस, हमें ऐसा लगता है कि मान लो हम तालाब में हैं तो हम पानी को महसूस करते हैं, और हमें कोई टच कर रहा है तो टच को महसूस करते हैं। आपने 9D थिएटर में भी इस तरह के एक्सपीरियंसेस किए होंगे, वो भी वर्चुअल रियलिटी का एक नमूना है। लेकिन वर्चुअल रियलिटी उससे डिफरेंट है। वर्चुअल रियलिटी का मतलब वो होता है कि जो है नहीं वो दिखाई देना। इसी तरीके का पर्दा हम सबकी आंखों पे, हम सबके नजरिए पे पड़ा हुआ है। जो है वो है नहीं, और जो वो है नहीं वो हमें दिखता नहीं है। और मजे की बात है, बहुत सारी बातें मजे की हैं। मजे की मतलब बड़ी विचित्र बातें हैं कि ये पर्दा क्या है। ये पर्दा हमारा मन है, हमारा माइंड है। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, कुछ भी, एक्स वाई जेड, मैं, ये सामान, ये एरोप्लेन, ये गाड़ियां, ये बसें, ये कारें, ये बच्चे, ये घर का खाने का सामान, सब कुछ, सब का सब कुछ हमारी माइंड की उपज है। माइंड के द्वारा पैदा किया गया है। हम सबके माइंड, एक यूनिवर्सल माइंड है। आपका भी माइंड है, मेरा भी माइंड है, सबका सब एक पर्दा। अब ये माइंड है, सबका सब एक पर्दा है। बहुत बड़ा पर्दा है ये माइंड, बहुत बड़ा पर्दा। इस पर्दे के पीछे ईश्वर है। उसको ईश्वर कह सकते हैं, उसको भगवान कह सकते हैं, उसको अल्लाह कह सकते हैं, उसको रियलिटी कह सकते हैं, उसको सेल्फ रियलाइजेशन कह सकते हैं, उसको आत्म साक्षात्कार कह सकते हैं, उसको कुछ भी नहीं है ये भी कह सकते हैं, जैसा बुद्ध ने कहा। वो ताकत जो चला रही है इस विश्व को, जो जिंदा रखी हुई है मुझे, आपको, हम सबको, इस आकाश से तरह तरह की चीजें उपज रही हैं। तरह तरह के वैज्ञानिक जो हैं, तरह तरह की डिस्कवरीज कर रहे हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। सब के सब एक रियलिटी से हमें दूर रखने के लिए छलावा है। ये मन, ये सब कुछ, ये सब का सब छलावा है, क्योंकि मौत निश्चित है, आपकी, मेरी, हम सबकी। फिर जीवन का क्या लक्ष्य हो, क्या सामान इकट्ठा करना, क्या रिश्ते बनाना, क्या जो बॉडी ग्रो होगी और ग्रो होने के बाद फिर बूढ़ी होनी शुरू हो जाएगी, बूढ़ी होने के बाद फिर बीमार होनी शुरू हो जाएगी, अंत में मर जाएगी। जो चार चीजें महात्मा बुद्ध ने देखी और वो महात्मा बुद्ध हो गए, गौतम ने देखी और गौतम से वो बुद्ध हो गए। उन्होंने समझ लिया कि ये पर्दा है, पर्दे के पीछे कोई है जो खेल खेल रहा है, उसको ईश्वर कह सकते हैं, या उसको कुछ भी नहीं है ये भी कह सकते हैं। क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो वाइडनेस के होते हैं, नलनेस के होते हैं, कुछ भी ना होने के होते हैं। जब आप ध्यान में, समाधि में अंदर उतरेंगे तो जो एक्सपीरियंस होंगे वो कुछ भी नहीं होगा। अब हम तरह तरह के कर्म करके हम आए हैं। हर व्यक्ति का अपना अलग जीवन है, मेरा अलग जीवन है, मेरे अपने कर्म है, आपका अलग जीवन है, आपके अलग कर्म है। आपने आपके जो पूर्व जन्म के कर्म है उसके अनुसार आपको ये लाइफ मिली है। इस थ्योरी को
थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और मेरे मेंटल पैटर्न के हिसाब से ये धर्म भी कहता है और आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है, मेडिकल साइंस भी कहती है, मेरे मेंटल पैटर्न के हिसाब से मेरी लाइफ चल रही है, मेरी सोच के हिसाब से मेरी लाइफ चल रही है, उसको ऐसे करते ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, और आपकी सोच के हिसाब से आपकी लाइफ चल रही है, आप अपनी सोच के दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। मैं अपनी सोच के दायरे के बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि मेरा माइंड जो मुझे बता रहा है वो मेरी सोच है, वो मेरी लिमिटेशन है। आपका माइंड जो आपको बता रहा है वो आपकी लिमिटेशन है। बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आपसे जुड़ा हूँ, अपने परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, आप अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको अलग नजर आ रहा हूँ, आपके बच्चे आपको अलग नजर आ रहे हैं। ये सारा सामान, ये जल, ये वायु, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये फूल, ये पौधे, ये खाने पीने की चीज़ें, ये वस्तुएं, सब के सब अलग नजर आ रही है। किसके कारण? माइंड के कारण। और इनकी वजह से बहुत सारे मेंटल पैटर्न बने हुए हैं, उन मेंटल पैटर्न की वजह से बार बार रीबर्थ हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है, जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म, हम इन्हीं मेंटल पैटर्न में भटकते चले जा रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है। और मैं अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, बड़ा अच्छा लगेगा सुन के वो एग्जांपल, कि कोई भी चीज दुनिया की, ना तो जल मुझसे अलग है, ना आप मुझसे अलग हो, ना पृथ्वी मुझसे अलग है, ना कोई साजो सामान मुझसे अलग है, मैं ही तो हूं हर जगह। यही भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि मैं ही हूं हर जगह। यही सत्य है। जो अलग दिखाई दे रहा है, जो डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है, जो अलगाव दिखाई दे रहा है कि आप मुझसे अलग हैं, मैं आपसे अलग हूं, चांद मुझसे अलग है, मैं चांद से अलग हूं, क्योंकि मैं चांद जैसा नहीं हूं, मैं शरीर में हूं, चांद एक अलग चीज है, लेकिन चांद भी वही है जो मैं हूं, सूरज भी वही है जो मैं हूं, जल भी वही है जो मैं हूं, आप भी वही है जो मैं हूं। और जब आपको इस रियलिटी का पता चलेगा, जब आप माइंड रूपी पर्दे को हटा देंगे, ये पर्दा जब हट जाएगा तो आपको हंसी आएगी कि ये मैं ही तो था हर जगह, मैं ही तो खेल खेल रहा था, ये मेरा ही तो एक रूप था। एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी, ये स्वामी सर्वप्रियानंदा जी से मैंने सुनी है, मेरी कहानी नहीं है, एग्जाम्पल मेरा नहीं है। जो विवेकानंद जो सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया है वहां के स्वामी हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, वही एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया। उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया कि काशी एक नगरी है हिंदुस्तान की, एंशियंट इंडिया की, उसको मेरे ख्याल में सबसे पुरानी नगरी माना जाता है काशी, जिसका नाम वाराणसी है, जिसका नाम बनारस भी है। वहां के पुराने नरेश, वहां पे एक जो है फंक्शन हुआ, एक जो है एक मतलब नाटक हुआ वहां पे। तो नाटक में क्या था कि नरेश जो थे वहां के राजा जो थे, उनका एक बेटा बच्चा था, और किशोर अवस्था में होगा, छोटा बच्चा था। तो अब उस नाटक में जरूरत थी एक प्रिंसेस की, प्रिंसेस ऑफ काशी, राजकुमारी की। अब क्या हुआ कि राजकुमारी का रोल कौन करेगा, किस किसको देखा जाए, तो बहुत सारे बच्चों को देखा गया, अभी ये इसको लेते हैं, इसको लेते हैं। तो वो उस वक्त के हिसाब से जो ऑडिशन किए गए उसमें कोई खरा नहीं उतर रहा था। तो अंत में क्या हुआ कि जो छोटा बच्चा था, जो राजकुमार था, उसको ही चुना गया। बोले कि राजा ने कहा कि इसको ही आप मेकअप कर दो और इसको ही जो है लड़की बना के इससे प्रिंसेस का रोल बनवा लो, करवा लो। तो वो नाटक हुआ, उसमें उसको बड़ा वो बच्चे को जो गर्ल्स का, गर्ल का जो कॉस्ट्यूम पहनाया गया उसका मेकअप किया गया, और एक गर्ल बना के उसको प्रिंसेस ऑफ काशी जो है उसको बना दिया गया, और एक रूपांतर खेला गया। अब जो प्रिंसेस ऑफ काशी बन के आया तो बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे जब उनके रोल करवाते हैं, हम पिक्चर्स करवा, उस वक्त पिक्चर्स होती नहीं थी। तो राजा ने क्या किया, रानी ने क्या किया कि देखो कितना खूबसूरत लग रहा है बच्चा, देखिए ना इसकी ना पोर्ट्रेट बनवाई जाए। तो पेंटर को बुलाया गया, तो उससे कहा भी ये इस हमारे बच्चे की पोर्ट्रेट बनाओ और नीचे लिखो प्रिंसेस ऑफ काशी। तो पोर्ट्रेट बन गई प्रिंसेस ऑफ काशी, मतलब एक लड़की की, जो कि है ही नहीं। अब क्या हुआ, दिन बीतते गए और वो राजकुमार जो है वो बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो मतलब वो छोटा था, तो
घर में मतलब इतना ज्यादा आता जाता नहीं था, तो बड़ा हो गया तो हर चीज में इंटरेस्ट होने लग जाता है। तो वो एक बार वो जो पोर्ट्रेट थी वो नीचे कहीं पे रखी हुई थी किसी जगह पे, उस जगह पे उस रूम में वो चला गया। वो देखते हैं कि भाई ये इतनी सुंदर लड़की का जो है पोर्ट्रेट है, तो उसे देखा कि उस वक्त डेट भी लिखी हुई थी, उसने कहा कि ये तो है भी मेरे एज की लड़की जो है, और ये अब जवान भी हो गई होगी, और वो लड़का भी जवान हो गया था राजकुमार, तो उसे लगा कि क्यों ना मैं अपने माँ बाप को कहूँ कि जो है मुझे जो है इससे ही शादी करनी है, और मुझे ये बहुत पसंद है, इतनी सुंदर लड़की मैंने जो बचपन में इतनी सुंदर है तो अब तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई है, तो मैं अगर मैरिज करूँगा तो इससे ही करूँगा। अब वो ये बात उसके मन में आ गई, तो मन में आ गई तो वो आजकल के बच्चे तो एक मिनट में बता देते हैं कि मुझे जो शादी अपनी पसंद से करनी है, तो तब इस तरीके से नहीं होता था, इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि माँ बाप के सामने जाके ये बात बता दी जाए कि मुझे इस तरीके से शादी करनी है। तो वो बड़े थोड़े विचलित से रहने लगे, गुमसुम से रहने लगे। तो माँ बाप ने पूछा कि क्या बात है, क्यों गुमसुम हो, क्या प्रॉब्लम है, तो कुछ शर्म के कारण बता ना पाते, चुप हो जाते, कहते कि नहीं कुछ ऐसा नहीं, बस वैसे ही। तो राजा के बेटे थे, राजा ने बहुत सारे जो है वैद्य वगैरह बुलवाए कि भाई इससे जानने की कोशिश करो बच्चा क्यों परेशान रहता है। तो एक दिन एक वाइज मिनिस्टर से, मंत्री से कहा कि आप जो है आपकी जिम्मेवारी है, आप इस बात को पता करके दो कि ये जो हमारा बेटा है राजकुमार है ये क्यों परेशान है, क्या कमी है इसको, राजा का बेटा होने के बाद क्या कमी हो सकती है इसको। तो वो मंत्री जो है उन्होंने उस राजकुमार को कॉन्फिडेंस में लिया, दोस्ती लगाई उससे, और एक दिन उससे पूछा भी क्या सोचते रहते हो आप बार और बीच बीच में गुमसुम हो जाते हो, तो आप मुझे बताओ, आप मुझे दोस्त समझ के बताओ और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, पूरी हेल्प करूँगा। तो राजकुमार ने कहा कि ठीक है हम आपको बताते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने बताया कि हमें जो है प्यार हो गया है एक लड़की से, और ये हमारी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, प्यार हो गया तो आपका उनसे विवाह करवा देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, और आप जवान हो गए हो, आपके माता पिता इस बारे में चिंतित भी हैं, ये तो अच्छी बात है। तो उन्होंने पूछा वो है कौन, बोले कि वो एक प्रिंसेस है। तो बोले कि अच्छा ये तो और भी अच्छी बात है कि प्रिंसेस आपको पसंद आई है, तो ये तो बिल्कुल ही आसान काम हो जाएगा। तो अब उन्होंने पूछा कि वो प्रिंसेस जो है वो कौन प्रिंसेस है और आपने उसको कहाँ पे देखा। तो बोले कि मैंने उसे देखा नहीं है, लेकिन मैंने उसे उसका बचपन का जो है उसकी पोर्ट्रेट देखी है, फोटोग्राफ देखा है, और बस उसी से मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ, और वो तब इतनी सुंदर थी तो अब पता नहीं कितनी सुंदर होगी, मुझे उसी से शादी करनी है। तो वो मंत्री भी पुराने थे उस जमाने के थे जब वो पोर्ट्रेट बनी थी। अब जो है वो उनको उनको थोड़ा थोड़ा भनक लगी कि ये कहीं उसी पोर्ट्रेट की बात तो नहीं कर रहे। तो बोले कि वो पोर्ट्रेट आपने कहाँ देखी, बोले कि वहाँ नीचे जो हमारा रूम है। बोले कि अच्छा वहाँ देखी, चलो मुझे भी दिखाओ जरा। तो बोले कि पोर्ट्रेट के पास ले गए और मंत्री जो है वो हंसने लगे। तो हंसने लगे तो राजकुमार बड़े हैरान हुए भी ये इस पोर्ट्रेट को देख के हंस क्यों रहे। तो अब उन्होंने उनको बताया कि ये पोर्ट्रेट में तुम ही हो, ये जो प्रिंसेस है, ये प्रिंसेस लिखा हुआ है, ये तुम ही हो। उस वक्त की सारी कहानी बताई। अब उस वक्त उनके जो स्टेट ऑफ माइंड रही होगी कि वो जिसको पूरा उन्होंने प्लान कर लिया होगा, पूरा उनके दिमाग में पिक्चर चलती होगी, माइंड में बहुत सारी पिक्चर पैदा की होगी, वो एकदम ड्रॉप हो गई होंगी, एकदम खत्म हो गई होंगी कि ये तो मैं ही हूं। हंसी आई होगी कि मैं इतने दिन पता नहीं क्या सोचता रहा, इससे और मुझे फर्क ही नहीं है, ये तो वही लड़की है जो मैं हूं। और जितने भी मेंटल पैटर्न बने होंगे, जो मैं कह रहा था कि समाधि में जाके, समाधि की अवस्था में जाके सारे के सारे मेंटल पैटर्न कर्म विलीन हो जाते हैं, क्योंकि रियलाइजेशन हो जाती है इसी बात की, इस बात की रियलाइजेशन होगी कि ये जो लड़की है, ये जो राजकुमारी है, मैं ही हूं। तो जितनी भी उससे रिलेटेड थॉट्स थी इमीडिएटली ड्रॉप होगी, डिलीट होगी, विलीन हो गई कि जैसे वो थी ही नहीं। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा जब ये पर्दा माइंड का खत्म होगा। उस वक्त वो माइंड का जो पर्दा था वो एकदम खत्म हुआ, जैसे पर्दा खत्म हुआ
तब तक पर्दा था, सीन थे पर्दे के अंदर, राजकुमारी थी, उसके साथ विवाह के सीन थे, उसके साथ जैसे मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है वो प्यार में जो कल्पना करता है उस तरह की कल्पना थी। तो वो सीन थे, बड़े बड़े सीन होंगे, बड़ी बड़ी उन्होंने कल्पनाएं की होंगी। तो जैसे ही वो सीन खत्म गया, इतने सारे सीन पैदा हुए होंगे उनके मन में, अनगिनत सीन पैदा हुए होंगे उनके मन में, प्यार को लेके, विवाह को लेके, ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरीके से होगा, जब उन्हें पता लगा होगा कि ये मैं ही हूं, तो क्या स्टेट ऑफ माइंड रही होगी, ड्रॉप डाउन हो गया होगा, सारे के सारे सीन टूट के गिर गया होंगे और हंसी आई होगी कि ये खेल क्या खेल था, ये क्या सोच रहा था मैं। यही सबके साथ हो रहा है, आप किसी के साथ लड़ रहे हैं, जब रियलाइजेशन होगी तो हंसी आएगी, इसके साथ ये मैं ही तो हूं। आप किसी से दुखी हैं, जब रियलाइजेशन होगी तो हंसी आएगी कि इसके साथ दुखी था, ये मैं ही तो हूं। ये पर्दा जब गिरेगा माइंड का, जो हम सब के ऊपर है, हम सब के ऊपर है ये पर्दा, ये जो पर्दा गिरेगा तो गजब का एक्सपीरियंस होगा, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम सब के ऊपर वो पर्दा पड़ा हुआ है, सबके ऊपर पड़ा हुआ है। इस पर्दे को हटाने के तरीके जो है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यही है। जैसे पर्दा गिरेगा वैसा ही होगा जो राजकुमार ने खुद को देखा राजकुमारी के रूप में। आज के लिए इतना ही। योगा माइंड लाइव पे आप ये वीडियो देख रहे थे और हम लोग यूं ही आपस में बात करते रहेंगे, इस तरीके से मिलते रहेंगे इस चैनल पे, आप जुड़े रहिए। मेरी ये हेल्प जरूर कीजिए कि आप मेरे वीडियो जो हैं उनको अपने सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, ताकि हम इस रिसर्च करते हुए इस बात पे और आगे बढ़ सकें, और आगे जा सकें। योगा माई लाइफ मेरे चैनल का नाम है, और मुझसे आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं किसी प्रकार की समस्या को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो योगा टीचर BSY का मतलब बिहार स्कूल ऑफ योगा, उस पर आप मेल कर सकते हैं @gmail.com, yogateacherbsy@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं, मैं मेल का आपको जवाब अवश्य दूंगा, और आपकी जो भी मुमकिन हेल्प मेरे से हो पाएगी मैं करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।